नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी की कार्रवाई हुई है। कानपुर रोड पर कुशवाहा की करोड़ों रुपए की जमीन को जब्त करने पहुंची टीम और ईडी की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर साथ लेकर गई थी। बता दें आपको कि ईडी की टीम कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने है और कुशवाहा की जमीन, बताया भी जा रहा है कि सपा ने लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया है अपना उपनेता। जौनपुर से सपा सांसद है बाबू सिंह कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। बता दें आपको कि जमीन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी की कार्रवाई हुई है। कानपुर रोड पर कुशवाहा की करोड़ों रुपए की जो जमीन है वो बताई जा रही है, उसको जब्त कर लिया गया है। ईडी की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची थी और ऐसे में टीम कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने है कुशवाहा का पूरा लैंड, जिसको बताया जा रहा है कि कुशवाहा की जमीन है और सपा ने लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया है उपनेता। बुलडोजर अब पहुंच गया है सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की जमीन पर और ऐसे में बताया जा रहा है कि सपा ने लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को उपनेता बनाया है। तभी से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब बाबू सिंह कुशवाहा आ गए हैं। जौनपुर से सपा के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। तो कानपुर रोड पर जो कुशवाहा की करोड़ों रुपए की जमीन है उसे जब्त कर लिया गया। ईडी की कार्रवाई हुई है और ईडी की चाबुक में अब आ गए हैं बाबू सिंह कुशवाहा। सपा के सांसद हैं और जौनपुर से सांसद हैं। सपा के कानपुर रोड पर जो उनकी जमीन है उसको जब्त कर लिया गया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि हाल ही में सपा के लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को सपा ने उपनेता बनाया और जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है और ऐसे में अब सपा भी यही आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है और टारगेट सेट करके विपक्षी पार्टियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब कानपुर रोड पर जो जमीन है उसको जब्त कर लिया गया है। ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आनंद सिंह विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये कितनी बड़ी कार्रवाई बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ हुई है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। देखिए, ये बाबू सिंह कुशवाहा मायावती की सरकार थी, बीएसपी थी, उस दरमियान कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और एनआरएसएम घोटाला करीब 10,000 करोड़ रुपए का वो घोटाला था जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा को 4 साल जेल में भी रहना पड़ा था। सीबीआई ने भी उनके ऊपर कंधा कसा था और पीएमएलए का उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया गया था। उसी मामले की जांच चल रही थी, ईडी लगातार उस मामले की जांच कर रही थी और अब जाकर उस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। जब राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने जो करोड़ों रुपए का उनका देश की जमीन थी बाबू सिंह कुशवाहा की, उसको ईडी ने कब्जे में लिया है और उसका जो वहां पर जो निर्माण हुए हैं उसको भी ध्वस्त किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जौनपुर से सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा, और न सिर्फ सांसद चुने गए बल्कि जो समाजवादी पार्टी का संसदीय दल है उसके उपनेता यानी अखिलेश यादव के बाद वो दूसरे नंबर के नेता भी उसमें चुने गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है, समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि ईडी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और इस पूरी जमीन को जब्त कर लिया गया है। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। गैंगरेप पीड़िता की मां ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी ने सपा नेता मोहित खान पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है और बता दें आपको कि कल विधानसभा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया था। अयोध्या में दुष्कर्म करने वाले सपा सांसद का करीबी है और साथ ही साथ तमाम तरह के आरोप यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए। साथ ही बता दें आपको कि ये भी कहा कि सपा ने अब तक इस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है और सीएम योगी ने विधानसभा में सपा के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हम आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है।
तो अयोध्या से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पर पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की और सीएम योगी ने सपा नेता मोईद खान पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। विधानसभा में कल कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था और तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दुष्कर्म करने वाला सपा सांसद का बेहद करीबी है और ये भी कहा कि सपा ने अब तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया था और वो पल याद दिलाए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडों का राज था। इस तरह के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। कानून व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी को अक्सर घेरती रही है भारतीय जनता पार्टी और एक बार फिर से आईना दिखाने का काम सदन में भी किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया और ये कहा कि महिला सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है समाजवादी पार्टी। आनंद सिंह विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जाना जाएंगे अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां ने लखनऊ में सीएम से मुलाकात की है, किस तरह का आश्वासन सीएम की तरफ से मिला है उन्हें? आनंद, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आनंद, अयोध्या गैंगरेप की पीड़िता की मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है इस मर्तबा, किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला? बिल्कुल, देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुलाकात उस समय हुई जब कल ही विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे को उठाया था और न सिर्फ उठाया था बल्कि समाजवादी पार्टी को तटघरे में खड़ा किया था और ये कहा था कि जिस तरह अयोध्या में चुनाव जीतने के बाद लगातार अब उसको बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जब उसी अध्याय में घटना होती है और जो सांसद के बेहद करीबी के द्वारा जिस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है उसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुप है। उसके बाद ये आज मुलाकात होती है पीड़ित के परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे मामले में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी सरकार वो करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि कानून व्यवस्था के मामले पर कम से कम महिला सुरक्षा के मामले पर सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से उन्होंने विधानसभा में भी यह बात कही है और आज भी आश्वासन यही दिया गया है पीड़ित परिवार को कि जो संभव कार्रवाई जो इसमें उचित होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आनंद, देखिए सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर ये भी कहा था कि लोगों को कि महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी एक गंभीर खतरा है, एक बड़ा खतरा है। यही एक नैरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी अक्सर हर चुनाव में सेट करती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, गुंडई का राज आ जाएगा, महिला सुरक्षा जो है वो एक गंभीर खतरा हो जाएगा, महिलाओं की जो महफूजियत है वो खतरे में पड़ जाएगी। इन तमाम मसलों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इनको विषय बनाती है, मुद्दा बनाती है, तो क्या इस तरह का जो मामला है वो एक बार फिर से डेंट करता है समाजवादी पार्टी की छवि को? अब देखिए ना, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो सांसद हैं उनके साथ वो उनका राइट हैंड के तौर पर वो काम करता आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो मुख्यमंत्री ने सदन में बातें कही लगातार जो बीजेपी के नेता कहते रहे उसको एक तरह से इंगित करने का जरूर प्रयास किया गया है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे इसके जो लोग हैं किस तरह से वो अपराधों में लिप्त रहते हैं और यही बात मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में कही और जेल में भी कही है और ये जरूर कहा गया है कि महिलाओं के स्वावलंबन सुरक्षा स्वाभिमान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में जब एक महिला के साथ वो भी जो आप कह सकते हैं कि SC ST वर्ग की महिला उसके साथ जिस तरह की हरकत अग्रणी हरकत की गई उसके बाद सरकार सख्त कदम उठाएगी और महिला सुरक्षा के नाम पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ये निर्देश न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को जो पीड़ित परिवार है उसको दिया बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए यही कहा गया कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी तरह की कोई कोताही न की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आनंद। वहीं यूपी में नजूल बिल पर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधानसभा से नजूल बिल तो पास हो गया लेकिन विधान परिषद में बिल फंस गया। बता दें आपको, नजूल बिल भूमि के बिल को बीजेपी विधायकों के विरोध की परवाह न करते हुए योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पास करा लिया लेकिन विधान परिषद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध करके बिल को प्रवर समिति को भेजने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद नजूल
भूमि विधान परिषद में जाकर लटक गया है। सवाल अहम है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति ही भेजना था तो इसे विधानसभा से पास ही क्यों करवाया गया। इस पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। अभी सवाल भी उठ रहा है कि विधान परिषद में नजूल संपत्ति विधेयक कैसे फंसा। दरअसल बीजेपी के विधायकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। विधायकों ने बिल पास होने की सूरत में बीजेपी को पूरे राज्य में होने वाले भारी नुकसान की आशंका जताई है। नेता विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य भी आपको बता दें कि विधेयक से असहमत दिखाई दिए। खास बात यह है कि विधानसभा में बिल का विरोध करने वाले दोनों बीजेपी विधायकों सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी प्रयागराज क्षेत्र से आते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी के विधायक केशव मौर्य से भी मिले और इस बिल का विरोध करने की बात भी कही। विधान परिषद के सभी सदस्यों की आम सहमति से ये तय हुआ है कि इस बिल को पास होने से रोका जाए। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में खड़े होकर इस बिल पर आपत्ति जताई और इसे प्रवर समिति को सौंपने को कहा। इसके बाद ये बिल फंस गया और प्रवर समिति को सौंपने का फैसला लिया गया। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया और गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कई विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी से मिलकर अपनी बात रखी है। आज सुबह भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक सदन शुरू होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ से मिले और वहां पर ये सहमति बनी कि विधान परिषद में सदन के नेता केशव विधेयक को पटल पर रखेंगे और भूपेंद्र चौधरी से विस्तार के लिए विचार करेंगे और प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान के चलते उन पर ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। मैं उन्हें चाय और बिस्किट खिलाऊंगा। उनके इस दावे को लेकर जहां एक और विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है तो वहीं राहुल गांधी के दावे को विपक्षी ने सही ठहराते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। बीते करीब एक महीने से जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है वैसे ही मोदी सरकार की नींद भी उड़ गई है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी ने पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में वृद्धि हुई है तब से अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ये उसी का नतीजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से किए गए फैसले के पक्ष में हूँ। बिहार सरकार ने 1978 में
कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में पिछड़ों में डिमार्केशन किया था, कोटा विद इन कोटा, और अब बिहार में पहले ही दलित और महादलित का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, लिहाजा हम ऐसी किसी भी प्रोविजन का समर्थन करते हैं। अपने मुंह में या मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा, वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। मैं समझता हूँ वही कुशीनगर में सूर्य मूर्ति प्राकृत्य उत्सव का आयोजन हुआ है, जहां पर काले नीलम पत्थर से बनी भगवान सूर्य की मूर्ति पर देश और विदेश की 151 नदियों के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। भव्य कलश यात्रा के साथ ही शुरू हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण, जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर और यूपी किन्नर बोर्ड की सदस्य कनकेश्वरी नंदगिरी दंडे स्वामी, अंतानंद सरस्वती आदि संत शामिल हुए। विधिवत पूजा पाठ और जलाभिषेक के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली और संत महापुरुषों की तपोस्थली कुशीनगर की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवान सूर्य नारायण का जो अभिषेक हुआ है 151 नदियों के जल को ला करके कुशीनगर की इस पावन धरती पर भगवान सूर्य का जो अभिषेक किया गया है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इस पूरे जनपद पर, इस कार्यक्रम के आयोजकों पर अपनी कृपा बनाए। सावन के इस पवित्र महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए अपने अनोखे अंदाज में ही उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने कंधों पर कावड़ लेकर लंबी कावड़ यात्रा कर रहे हैं। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच हुई एक ऐसी तस्वीर कानपुर देहात जिले में सामने आई है, जहां पर शिव भक्त कावड़ लेकर कानपुर के बिठुर जा रहे हैं और कावड़ियों के तन और टी शर्ट पर जो है उसमें भगवान शिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी हुई है और लिखा है बुलडोजर वाले बाबा। शिव भक्तों ने एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर सख्त हैं और सीएम योगी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, इसीलिए उनको भी भगवान मानते हैं। और यही वजह है कि अपनी टी शर्ट पर उन्होंने भगवान शिव के साथ ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी छपवाई है और लिखा है बुलडोजर वाले बाबा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ को मनाने में जुटे हैं अपने अनोखे अंदाज में, लेकिन कानपुर देहात से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को चौकन्ना कर दिया। ये हमारे साथ तमाम कांवड़िए तस्वीरों में देख सकते हैं और इसमें एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि शिव और भक्त के बीच में बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो गई। तो हम वो तस्वीर दिखाएंगे और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में जो ये शिव भक्त है इनकी टी शर्ट पे बाबा बुलडोजर की फोटो और लिखा है बुलडोजर वाले बाबा। तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों इन लोगों ने छपवाया, इसके पीछे का क्या राज है।
तो तमाम शिव भक्त है हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी जो टी शर्ट है इस पे लिखा है बुलडोजर वाले बाबा, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? बुलडोजर वाले बाबा से हमारा आश्रय कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे जो सीएम हैं वो धर्म के हिसाब से ही हर लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों का यह मानना है। और जितने भी सनातनी हैं उनकी सबकी वो भरपूर मदद करते हैं। कि आखिर में इसका क्या मतलब है जो आपने अपनी टी शर्ट पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा रखी है और बुलडोजर लिखा है, बुलडोजर वाले बाबा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये धर्म के प्रति अपनी एक आस्था और एक श्रद्धा है जो हम अपनी कावड़ यात्रा लेके जाते हैं। ये झगड़ेश्वर बाबा जो है ठेना मऊ, ग्राम ठेना मऊ में है, इनके द्वारा हम लोग लेके जाते हैं। ये एक अधर्म के खिलाफ वो है कि हम लोग कांवड़ को यात्रा और इनको योगी आदित्यनाथ को इसलिए कि ये अधर्म के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको ये अच्छे तरीके से देखते हैं और कानून व्यवस्था जो हम लोगों के कांवड़ रास्ते में जाती है, लोग परेशान करते थे अभी तक, उनको ये नियंत्रण में कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है कांवड़ के ऊपर। साफ तौर से हमने आपको दिखा दिया है कि ये कानपुर देहात का ठेना मऊ गाँव है जहाँ पर जो शिवभक्त है वो कांवड़ लेके जा रहे हैं। और मेन इसमें जो खास बात दिखी है वो इनकी टी शर्ट पर बुलडोजर वाले बाबा की तस्वीर छपी हुई है और बुलडोजर भी छपा है। सात तौर से जो ये कांवड़िए हैं इनका सात तौर से कहना है कि जैसे बाबा शिव भगवान है मेरे लिए, वैसे ही सीएम योगी भी भगवान को बता रहे हैं कि सीएम योगी भी भगवान है। कानपुर देहात से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ मोहित बाथम, एपीएन न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।